Hi and welcome to Ask Dr. Devashish episode number 8. Episode 8 में आप सब लोगों का स्वागत है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले सवाल सत्यम जी के साथ. सत्यम जी ने पूछा है कि क्या लंबर डिस्क डीजेनरेशन के केस में एंडोस्कोपी के माध्यम से फिक्सेशन पॉसिबल है. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये. देखिए, लंबर डिस्क डीजनरेशन के केस में सेलेक्टेड केसेस में बिल्कुल पॉसिबल है एंडोस्कोपी के माध्यम से हमें फिक्सेशन करना, जिसमें हम परक्यूटेनियस तरीके से पेडिकल स्क्रूज लगा देंगे और वही चैनल जिससे हमने डिस्केक्टमी करी है सेम चैनल को यूज करके हम लोग जो डिस्क है उसको चेंज कर देंगे, तो डीकम्प्रेशन भी हो जाएगा, परक्यूटेनियस पेडिकल स्क्रू फिक्सेशन भी हो जाएगा और टीलिफ सर्जरी भी संभव है. पर इसके कुछ डिफरेंट आयाम भी हैं. ऐसे समझिए कि ये सर्जरी लिमिटेड एक्सेस सर्जरी है जिसमें बहुत स्पेसिफिक केसेस में इसको किया जा सकता है और बहुत अच्छा रिजल्ट पेशेंट को दिया जा सकता है. लेकिन ये कहना भी इम्पॉर्टेंट है कि हर केस में हम लोग एंडोस्कोपी के माध्यम से जिसमें कि लंबर डिस्क डीजनरेशन हो उसमें फिक्सेशन नहीं कर सकते. कई पेशेंट्स के केस में माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी ज़्यादा बेटर होती है और बहुत सेलेक्टेड केसेस में ओपन स्पाइन सर्जरी ही बेटर होती है. ऐसा क्यों है? क्योंकि माइक्रोस्कोपी के केस में हम लोग छोटा इंसिजन लगा के जो डीकम्प्रेशन है उसको ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं अगर आपको कंप्रेशन ज़्यादा है नर्व रूट्स का. अगर आपको एक ही तरफ दर्द आ रहा है और आपके एमआरआई में कंप्रेशन हल्का है तो इस सर्जरी को परक्यूटेनियस रूप से स्क्रू लगाकर, जिसमें कि चार अलग अलग जगह स्क्रू लगेंगे, चार छेद करके और एक एंडोस्कोपी के छेद से हम इस सर्जरी को अंजाम दे सकते हैं. तो मैं आशा करता हूँ आपको इस सवाल से संतुष्टि मिली होगी और अगर आपका कोई सवाल है तो आप डिटेल में मेरे से फिर से लीडिंग क्वेश्चन के रूप में पूछ सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. नेक्स्ट सवाल पूछा है अभिनीश जी ने और अभिनीश जी ने ये पूछा है कि क्या एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कराने के बाद या माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कराने के बाद दौड़ सकते हैं. तो चाहे माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हो चाहे एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हो, आप सर्जरी के सक्सेसफुल होने के बाद बिल्कुल दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, वजन उठा सकते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन होती है. हाँ, शुरुआती कुछ दिनों में हम लोग अपने पेशेंट को वजन उठाना और आगे झुकना मना करते हैं जैसे कि स्पाइन को हीलिंग का टाइम मिल जाए. उसके बाद पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर सकता है, कंफर्टेबल लाइफ जी सकता है. इनिशियली पेशेंट को हम लोग एक्सटेंशन एक्सरसाइज कराते हैं और जब पेशेंट की स्पाइन हेल्दी हो जाती है तो फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस भी कराई जा सकती हैं और दौड़ने भागने पे किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंध बिल्कुल नहीं होता. और यदि आप इससे रिलेटेड हमसे बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और हम आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे. अगर आप पुराने एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन को दबा के पुराने एपिसोड्स को भी स्क्रॉल कर सकते हैं, जिसमें हमने बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब ऑलरेडी दिए हुए हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. नेक्स्ट सवाल रोजी खान जी ने पूछा है और रोजी खान जी ने पूछा है कि क्या सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी एंडोस्कोप के द्वारा की जा सकती है और यदि की जा सकती है तो क्या एडीआर सर्जरी या फिर डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी सर्वाइकल एंडोस्कोपी द्वारा की जा सकती है. तो रोजी खान जी, इसका जवाब ये है कि एंडोस्कोपी के माध्यम से लिमिटेड एक्सेस आगे से हम लोग सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी करने लगे हैं और ये जो टेक्निक है ये बेसिकली इटालियन टेक्निक है और डॉक्टर लियोनेलो टकोनी ने फेमस किया इस टेक्निक को, जिसमें हम आगे से जाके एंडोस्कोपी की मदद से आपका जो डिस्क है उसको निकाल करके साफ करके फ्यूजन कर सकते हैं, फ्यूजन सर्जरी कर सकते हैं और रिप्लेसमेंट सर्जरी भी की जा सकती है. एंडोस्कोप लगाने से फ़ायदा ये होता है कि चीरा छोटा हो जाता है और पेशेंट को जल्दी और बढ़िया रिजल्ट आ सकता है. हालांकि डिपेंड करता है कि किस तरह की प्रॉब्लम आपको है, कितना कंप्रेशन है और एंडोस्कोपी बेटर रहेगी या माइक्रोस्कोपी बेटर रहेगी, ये डिपेंड करता है इस बात पे कि आपकी प्रॉब्लम किस तरीके की है.
यदि आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहती हैं तो आप अपने एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन से इस बारे में संपर्क कर सकते हैं। और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपके जो सर्जन हैं वो एंडोस्कोपी रेगुलरली करते हैं कि नहीं, एंडोस्कोपी उनको कंफर्टेबल है कि नहीं, और माइक्रोस्कोपी में वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या ओपन सर्जरी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो सर्जन स्पेसिफिक भी है ये बात कि किस चीज़ में कौन ट्रेंड है, किस चीज़ में कौन अच्छा रिजल्ट दे सकता है। कुछ सर्जन माइक्रोस्कोपी में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, कुछ सर्जन एंडोस्कोपी में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, कुछ सर्जन ओपन सर्जरी में अच्छा रिजल्ट देते हैं, और कुछ सर्जन हर चीज़ में इक्विवेलेंट रिजल्ट दे सकते हैं। डिपेंड करता है रेगुलरली सर्जन क्या करते हैं। तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह की तरफ ही जाना चाहिए और उसी हिसाब से इसका इलाज कराना। नेक्स्ट सवाल जावेद अली जी ने पूछा है, और जावेद अली जी ने पूछा है कि उन्होंने एक बार एंडोस्कोपी कराई थी और एंडोस्कोपी कराने के बाद उनको काफ़ी परसेंट रिलीफ आ गया, मेरे ख्याल से 40 या 50%, लेकिन अभी भी उनको दर्द रहता है। और जब वो अपने प्राइमरी डॉक्टर ने से मिले तो उन्होंने बताया कि दोबारा एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी। तो वो ये पूछ रहे हैं कि दोबारा एंडोस्कोपी करना कोई प्रॉब्लम की बात है क्या? तो जावेद जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंडोस्कोपी दोबारा तिबारा और कितनी भी बार की जा सकती है, क्योंकि ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। इसमें नर्व से काफ़ी दूर रह के हम काम करते हैं और नर्व के डायरेक्ट विजुअलाइजेशन में काम करते हैं। और ऐसा अमूमन कभी कभी हो जाता है कि एंडोस्कोपी करने और उसके बाद फिर से कोई डिस्क फ्रैगमेंट आ जाए जिसको कि जिससे नर्व को दबाने लगे और उसको हमें निकालना पड़ता है। कभी कभी हम लोग एंडोस्कोपी करते हैं तो कोई डिस्क फ्रैगमेंट जो उस वक्त दिखाई नहीं देता, जो लूज पड़ा होता है, वो वापस केनाल में आके नर्व को दबा सकता है। तो फ्यूचर में फिर से एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़ना कोई बहुत कॉमन या अनकॉमन बात नहीं है, कुछ पेशेंट्स में ऐसा हो सकता है। और इसका इलाज अच्छी तरह से संभव है, जिसमें आप रिपीट एंडोस्कोपी करवा सकते हैं, माइक्रोस्कोपी करवा सकते हैं, फ्यूजन सर्जरी करा सकते हैं, सब तरह के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। डिपेंड करता है आपके जो सर्जन हैं वो आपके लिए क्या चूज़ करते हैं। और यदि कोई कॉम्प्लिकेशन किसी भी पेशेंट में होता है तो मैं ये चाहता हूँ कि उनको अपने प्राइमरी डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी डॉक्टर ने आपके केस को डिटेल में समझा है, वो उस प्रॉब्लम को जानते हैं और उसका बड़ा अच्छा इलाज वो आपको ज़रूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, अगर आपके और भी सवाल हैं तो आप हमसे पूछते रहिए, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब देने की, और कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी सवाल हुए हैं, उनके मैक्सिमम जवाब दे पाऊँ। आशा करता हूँ इस एपिसोड से आपको कुछ काम की जानकारियाँ मिली होंगी, और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बाद में फिर से हाजिर हो जाऊँगा एक नए एपिसोड को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।